गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सो वी आर बैक अगेन विद न्यू चैप्टर। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो दैट विच चैप्टर आई विल बी टीचिंग टुडे। सो बिफोर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड टू द न्यू चैप्टर, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ जनरल हालचाल राउंड। हालचाल राउंड मींस हाउ आर यू एंड हाउ आर मी। ओके, आई एम एब्सोल्यूटली फाइन, आई एम डूइंग वेल। और अब आप लोग कैसे हो? आप लोग ने इतने दिनों में क्या कुछ नया किया? हाफ ईयरली एग्जाम्स हो रहे थे या होने वाले हैं, अगर रिजल्ट्स आ गए हैं तो वो सारी चीजें भी शेयर कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं क्या परफॉर्मेंस चल रही है सब बच्चों की, कैसा चल रहा है सबका स्कूल का एग्जामिनेशन टाइम। ठीक, सो नाउ लेट्स बिगिन द न्यू एडवेंचर। And for today's new adventure, उसके पहले है हमारे पास आपके लिए एक सुंदर सा quote. And what does that quote means? The positive thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible. मतलब जिसके अंदर इतनी positivity हो, जो हर चीज को एक positive way में सोचता हो, उसको जो चीज नहीं भी दिखनी चाहिए वो दिखाई पड़ती है। जिसको हम छू नहीं सकते, इनटैंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी टच, वो पॉजिटिव थिंकर उसको भी टच कर सकता है। और जो हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा, सपोज हमने सोच लिया कि हम ये चीज नहीं अचीव कर सकते, लेकिन अगर एक कोई पॉजिटिव थिंकर है तो वो जरूर से जरूर उस चीज को अचीव कर सकता है। मतलब कि वो इम्पॉसिबल थिंग्स को भी अपने हाथ में ग्रैप्स कर सकता है, पकड़ सकता है। क्लियर? So with this positivity, let's begin the today's session without wasting our time. So yahan kya dikhai pad raha hai screen pe? Everywhere there is fire and many emergency numbers are written on your screen. Police, fire brigade and ambulance. Now tell me in the comment box that agar fire wali emergency ho jati hai, suppose kisi situation ki wajah se हमारे कहीं पे एरिया में फायर मतलब आग लग गई, ठीक, तो हम इसमें से किसको कॉल करेंगे? पुलिस को कॉल करेंगे क्या कि हेलो पुलिस अंकल, फायर मतलब यहाँ पे आग लग गई, आप आ जाओ इसको बुझा दो। पुलिस वाला क्या कहेगा? आपने गलत जगह पे कॉल किया है। ठीक, तो आप कहाँ पे कॉल करोगे अगर कोई भी फायर इमरजेंसी होती है? सो इन एनी टाइप ऑफ फायर इमरजेंसी यू हैव टू कॉल एट फायर ब्रिगेड नंबर। कहाँ पे कॉल करना होता है आपको? फायर ब्रिगेड के नंबर पे कॉल करना होता है। तो फायर ब्रिगेड वालों का नंबर क्या होता है? यू हैव टू नोट इट डाउन, दैट इज 101। फायर ब्रिगेड वालों का नंबर क्या होता है? 101। ओके, सो इमिडिएटली आपको कहाँ कॉल कर देना है? फायर ब्रिगेड को। इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम एनी हेल्थ इश्यूज देन यू हैव टू कॉल एट 108 फॉर कॉलिंग द एम्बुलेंस, फॉर कॉलिंग द एम्बुलेंस। और भाई अगर कहीं आसपास में लड़ाई झगड़े दंगे हो गए हैं, चोरियां हो गई हैं, तो हम लोग किसको बुलाएंगे? तब हम फोन करेंगे पुलिस अंकल को। और पुलिस अंकल को फोन करने के लिए कौन सा नंबर यूज करना है हमको? 100। ओके, सो दीज थ्री नंबर्स मस्ट बी हैंडी फॉर यू। हैंडी मतलब हमेशा आपके दिमाग में, आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि अगर कोई भी इमरजेंसी पड़ती है तो हमको रिस्पेक्टिव नंबर पे कॉल करके उस इमरजेंसी का सलूशन निकालना है। सो भाई फायर 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 था, तो इसीलिए हम आपके लिए आज चैप्टर लेके आ गए हैं कंबशन एंड फ्लेम का। कौन सा चैप्टर? कंबशन और फ्लेम का। ये ग्रेड 8th का चैप्टर नंबर 6 है, ग्रेड 8th का चैप्टर नंबर 6 है। एंड इन टुडेज सेशन we will be learning the three topics of this chapter, and in the part 2 video of the same chapter we will be learning the another three topics. So let's see that what are the learning outcomes for today's session. First of all, we will just learn that what are the general introduction, what is combustion, and how can we control the fire. Okay, these things we will be learning in part 1 video. Okay, We will be learning in part one video. And the other three topics, we will be learning in part 2 video.
two video. Okay, so let's see that what things we are going to learn today. Our entire universe is composed of five elements. मतलब ये जो हमारा पूरा universe है, ठीक, ब्रह्मांड है हमारा, ये किस चीज से मिलके बना हुआ है? फाइव इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है. व्हाट आर दोस फाइव इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स? वाटर, फायर, एयर, आकाश दैट इज ईथर, एंड पृथ्वी दैट इज अर्थ. ठीक है, वाटर दैट इज जल, अग्नि दैट इज फायर, वायु दैट इज एयर, आकाश दैट इज ईथर, एंड पृथ्वी दैट इज अर्थ. ठीक है, आप सब लोग ने अगर ब्रह्मास्त्र पिक्चर देखी है, देखी है क्या सबने ब्रह्मास्त्र पिक्चर? उसमें ना इन फाइव इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बात किया गया है. रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट पिक्चर, ओके, इन विच वी हैव सॉन्ग चिंगारिया, लाइक दिस सॉन्ग इज देयर ना. सो वो जो आपके पिक्चर में भी बात की गई है, वो इन्हीं फाइव एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. That what happens when you light a match stick. Suppose आपको हमने match box दे दिया और उसमें से आपने एक stick बाहर निकाली और उसको जलाने की कोशिश की. ठीक, तो उससे क्या होता है? आपने देखा होगा, whenever you light a match stick, it produces heat also and it produces light also. कभी गलती से अगर matches की जो stick होती है, match stick की जो stick होती है, वो अगर बहुत पीछे तक जलती हुई चली आए, तो हमारी fingers भी जल सकती है. आज morning में ही जल गई है मेरी finger. ठीक, और अगर आप उसको एक बंद अंधेरे कमरे में जलाओगे ना, तो वो कुछ देर के लिए आपको लाइट भी देती है. सो व्हेनेवर यू बर्न अ मैचस्टिक, व्हेनेवर यू बर्न अ मैचस्टिक, ओके, सो दैट मैचस्टिक प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. दैट मैचस्टिक प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ Whenever we burn the coal, coal मतलब कोयला, भी जाड़ा आएगा ना तो सब क्या करेंगे? ठंडक आ जाती है तो क्या करते हैं? बहुत ठंड है भाई, थोड़ा सा कोयला जला दो, थोड़ी सी वुड को बर्न कर दो. So that coal burning produces carbon dioxide along with heat and light. Along with heat and light, मतलब जब coal burn करता है तो क्या होता है? Coal के burn करने के साथ साथ कोल के बर्न करने के साथ साथ क्या हो जाता है? हीट और लाइट का भी प्रोडक्शन होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है. ठीक, और जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो या तो फ्लेम के फॉर्म में, ठीक, फ्लेम मतलब जिसको आप हिंदी में बोलते हो लपट, ठीक, और या तो ग्लो मतलब मतलब यू कैन से जो एक शाइन प्रोड्यूस करता है. ग्लो मतलब जो शाइन प्रोड्यूस करता है. ठीक, Now you have to perform one activity at your home, but please perform this activity under someone's supervision. ठीक है, अकेले में नहीं करना वरना जल जाओगे. हो सकता है आप कुछ लापरवाही करो तो आपको कुछ दिक्कत हो सकती है. So what you have to do, you have to take a candle and you have to just light it. You have to just light the candle and place that candle on a table. Place that candle on a table. Now over the burning candle you have to place a glass, okay, you have to place a glass tumbler. So when you will place the glass tumbler, after some time you will observe that, what you will observe that, kya observe karna hai wo ab yahan pe dikhai pad raha hai, that the candle flickers and goes off. Flickers matlab aise dheere 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 uski flame hilegi aur achanak se band ho jayegi. Dheere 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 flame hilegi aur achanak se बंद हो जाएगी. Why? Because when we put the glass over the candle, जब हम ग्लास को कैंडल के ऊपर रखते हैं तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं. अभी तक क्या था? कैंडल एयर में थी, एयर से उसको ऑक्सीजन मिल रहा था तो वो लगातार जल रही थी. लेकिन जब हमने ग्लास टम्बलर उसके ऊपर रख दिया तो क्या हुआ? उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को हमने कट कर दिया. दैट इज वाई द कैंडल विल फ्लिकर एंड गोज ऑफ, और कैंडल क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी. क्लियर? सो कैंडल बर्न्स व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द टेबल एंड कैंडल फ्लिकर्स एंड गोज ऑफ व्हेन अ ग्लास टम्बलर इज प्लेस्ड ऑन इट. मतलब जब तक कैंडल टेबल पे थी तब तक अच्छे से एकदम जल रही थी, और जैसे ही हमने उसके ऊपर ग्लास टम्बलर को रख दिया वो बुझ के, वो थोड़ी देर उसकी फ्लेम क्या हुई? ऐसे 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 हिली और अचानक से बुझ गई. क्लियर? सो विच मीन्स दैट बाई प्लेसिंग द ग्लास टम्बलर we are actually cutting the supply of the
ऑक्सीजन, जिसका मतलब क्या हुआ, जब हम उस कैंडल के ऊपर ग्लास टम्बलर को रखते हैं तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं। देखो इस इमेज में आपको दिख रहा होगा ना कि वो धीरे धीरे हिल भी रही है और बुझने की तरफ भी जा रही है, ठीक, गोज ऑफ हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज नोन एज कंबशन। मतलब वो केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज ग्रेड सिक्स में पढ़ा था, तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और हीट की प्रोडक्शन करता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंबशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंबशन कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टाइल सब्सटेंसेस। मतलब जो सब्सटेंसेस कंबशन के प्रोसेस को शो करते हैं, जो सब्सटेंसेस जल सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कंबस्टाइल सब्सटेंस कहा जाता है, कंबस्टेबल सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे कि वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। ओके, दीज आर कंसिडर्ड एज कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, दीज आर कंसिडर्ड एज कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। समटाइम्स लाइट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। मतलब जब कंबशन का प्रोसेस होता है तो लाइट, लाइट मतलब कुछ रोशनी जैसी चीज निकलती है, या तो वो फ्लेम के फॉर्म में खूब ऊंची लपट जैसी निकलती है, या सिर्फ एक ग्लो प्रोड्यूस करती है। ग्लो मतलब शाइन प्रोड्यूस करती है। जैसे देखो इमेज नंबर वन में क्या हो रहा है, इमेज नंबर वन में बर्न हो रहा है कोल, इमेज नंबर वन में बर्न हो रहा है कोल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये केवल ग्लो प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, केवल ग्लो प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है कि फॉरेस्ट फायर जैसी चीज दिख रही है, क्या दिख रही है, फॉरेस्ट फायर जैसी। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे निकल रहा है आपका फ्लेम, यहाँ पे क्या निकल रहा है, फ्लेम निकल रहा है। नाउ कैन एनी वन टेल मी दैट इन आवर गैस स्टोव्स, ओके, या जो घर में आप गैस बर्नर्स का यूज करते हो, उसमें छोटे छोटे से होल्स क्यों होते हैं? Anyone knows this answer? If you know any other answer also, you can share it in the comment box. I will be reading the answers from there. So, those holes are present there to get the excess and equal supply of oxygen. Suppose ये हमारा burner था और हमने इसके ऊपर कोई भी एक अपना utensil रख दिया. Suppose this is my utensil. So, इस portion of utensil को भी उतनी ही flame मिलनी चाहिए जितनी इधर को मिल रही है, ठीक। सो टू गेट द एक्सेस एंड इक्वल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड सो दैट द कंबशन कैन टेक प्लेस प्रॉपरली, दैट इज व्हाई देयर आर होल्स इनसाइड द बर्नर, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर मात्रा में और ज्यादा क्वांटिटी में हो पाए और कंबशन बहुत अच्छे से हो पाए, इसीलिए क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. ठीक है, गलती से अगर कभी किसी के कपड़े के ऊपर, ठीक है, कभी किसी के कपड़े के ऊपर क्या हो जाए, सॉरी, कभी किसी के कपड़े पे फायर लग जाए, तो उस फायर को हम कैसे बुझाएंगे, या उस फायर के ऊपर हम हमेशा ब्लैंकेट क्यों डाल देते हैं। सपोज हम गलती से आग लग गई, हमारे हैंड में आग लग गई, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से उसको कवर किससे कर देंगे, ब्लैंकेट से कवर कर देंगे, किससे कवर कर देंगे, ब्लैंकेट से। सो कैन यू टेल दैट व्हाई डू वी डू दिस, यस वी डू दिस टू कट द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, वी डू दिस टू कट द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देते हैं तो आग क्या होती है, बुझ जाती है। अभी पढ़ा था ना कि वो कैंडल के ऊपर ग्लास टम्बलर रखा तो फायर क्या हो गई, अपने आप गोज ऑफ हो गई। सो अगर हम किसी पर्सन के ऊपर ब्लैंकेट डालते हैं, व्हेन अ पर्सन कैचेस द फायर, सो वी पुट द ब्लैंकेट टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। क्लियर, सॉर्टेड, इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर, सो please you have to do one thing, what you have to do, you have to like the video, subscribe the channel and share the video with your friends, okay, chhota sa kaam karna hai mera, ekdam nanna sa, chhota sa, theek hai,
So please do this. Okay. Next. Now, these three things are necessary for a combustion to take place. मतलब अगर आप चाहते हो कि आग लगे, फायर प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए. पहला तो आपके पास होना चाहिए combustible substance, that is fuel, जिसको आप जलाओगे. सेकेंड थिंग इज आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए. और थर्ड थिंग इज कि आपके पास कोई हीट प्रोड्यूस करने का भी सब्सटेंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लाइटर, मैच बॉक्स, एनीथिंग. ओके, दैट इज योर चॉइस. सो दीज आर द नेसेसरी थिंग्स फॉर द कंबशन टू टेक प्लेस. दीज आर द नेसेसरी थिंग्स फॉर द कंबशन टू टेक प्लेस. ओके, नाउ लेट अस सी दैट व्हाट आर द कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. कंबस्टिबल मतलब जो जलेंगे और नॉन कंबस्टिबल मतलब जो नहीं जलेंगे. सपोज आई गेव यू अ आयरन नेल, मतलब एक छोटी सी लोहे की कील दी. इफ यू विल ट्राई टू बर्न इट, विल इट बर्न? नो, इट विल नॉट बर्न. सो इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. इफ आई गिव यू अ पीस ऑफ स्टोन, ठीक है, आप उसको भले एक कागज में रैप करके उसके ऊपर आग लगा दो, जो आपका पेपर था वो बर्न कर जाएगा, बट योर स्टोन विल नॉट बर्न. एंड सेम गोज विद द ग्लास रॉड ऑल्सो. सो दैट इज वाई दीज टू आर ऑल्सो नोन एज नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. इज इट क्लियर टू एवरी वन? ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट मैच स्टिक, माचिस की तीली, कोल, स्ट्रॉ मीन्स कोल्ड ड्रिंक पीने वाला स्ट्रॉ नहीं, भूसा, which the cows and buffaloes eat, okay? And kerosene, petrol, diesel, etc. इसमें अगर एक छोटी सी चिंगारी भी गिर जाती है ना, तो ये क्या करते हैं? जलना शुरू कर देते हैं. So these are known as combustible substances. These are known as combustible substances. If I am giving you camphor, camphor means kapoor. So it will also come under the category of combustible substance. It will come under the category of combustible substance. Okay? Now, here is a fact for all of you that sun can produce its own heat and light. How is it possible? ये माना जाता है कि sun अपनी heat और light खुद produce करता है. और भाई आदित्य L1 mission भी गया है यही सारी चीजें पता लगाने के लिए. So how it is produced? Because on the surface of the sun, nuclear reaction takes place. Okay? On the surface of the sun, hydrogen and helium are present, because of which the reactions are taking place. And they are responsible for producing the heat and light. They are responsible for producing the heat and light. Now, let's see what we have next. Now, we will be learning about the second topic, that is ignition temperature and inflammable substances. Okay? Ignition temperature and inflammable substances. Let's see, क्या होता है ignition temperature? आज तक हमने temperature सुना था, अब ignition temperature भी आ गया. मैम आप भी, यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग ना कि मैम आप भी क्या ही क्या लेके आ जाती हैं नया नया. इतना तो पहले का याद नहीं था और आप उसमें नया इग्निशन टेम्परेचर भी ले आई. सो मैम इज सेइंग बच्चों कूल डाउन, चिल, मैम है तो सब पॉसिबल. क्लियर? सो लेट्स सी दैट व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर. नाउ what happens when a lighted matchstick is brought near a paper. Suppose you are having a matchstick and you are having a sheet of paper. So if you will bring the matchstick near the sheet of paper, the paper will start burning. Immediately the paper will start burning. But if you take a single matchstick, okay, and you light it, matlab aap usko jala lo, and take it near the tree, ek bade se ped ke paas us matches ki teeli ko leke jao, will the tree burn from that matchstick? Will the tree burn from that matchstick? No, the tree will not burn from that matchstick. The tree will not burn from that matchstick. Now, another example. Suppose I am using a lighter to light the gas. Gas मतलब आपका LPG stove जो था, जो आपके किचन में गैस बर्नर्स हैं, उन पे आप लाइटर को अगर लगातार जलाते हो तो वो जल जाता है, गैस बर्नर आपका जल जाता है. बट if you do the same process on a piece of wood, will the wood start burning from the lighter? No, the wood will not start burning from the lighter. Thus we can observe that different substance catches fire at different temperature. To hame yahan se kya pata chal raha hai ki har substance ek alag temperature pe fire ko catch karta hai. Theek hai? Suppose
अगर हमको पेट्रोल बर्न करना है, तो पेट्रोल के पास अगर हम एक माचिस की तीली भी लेके जाएंगे ना, तो पेट्रोल जलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम कोल के पास एक माचिस की तीली को लेके जाएंगे, तो कोल क्या होगा, बर्न करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि पेट्रोल को बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है जलने के लिए, लेकिन कोल को बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है बर्न करने के लिए। सो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे सब्सटेंस में फायर लग जाए, मतलब आग लग जाए। सो दैट टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। मतलब अगर आप माचिस की तीली से, एक मैच स्टिक से पेट्रोल को बर्न कर पा रहे हो, और सपोज वो पेट्रोल 250 डिग्री सेल्सियस पे बर्न हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन अगर उसी माचिस की तीली से आप कोल को बर्न करोगे, तो वो नहीं बर्न होगा। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर 250 नहीं है, उसका इग्निशन टेम्परेचर और ज्यादा है। मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर अगर 450 है, तो कोल के केस में 450 इज द लोएस्ट टेम्परेचर, एंड दैट विल बी द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कोल। मतलब कोल को जब आप 450 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओगे, उसके टेम्परेचर को वहां तक पहुंचाओगे, तभी वो क्या करेगा, बर्न करना स्टार्ट करेगा। सो दैट विल बी कॉल्ड एज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कोल, दैट विल बी कॉल्ड एज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कोल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर, इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। ओके, एंड इग्निशन टेम्परेचर ये डिसाइड करता है कि कौन से सब्सटेंस में कितनी जल्दी आग लगेगी। ठीक है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम, उसमें आग उतनी जल्दी लगेगी, और जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा, इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा, उसमें उतनी देर में आग लगेगी। क्लियर? नाउ द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर लाइक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, दे विल कैच फायर वेरी इजिली। देखो, आप क्या करते हो, लाइटर को दो बार पुश करते हो और गैस जल जाती है। क्यों? क्योंकि एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। इंजन्स में, जो कार के इंजन्स होते हैं या बाइक के इंजन्स होते हैं, उसमें क्या, या तो पेट्रोल होता है या डीजल होता है। तो आप दो बार क्या करते हो, किक देते हो, उससे स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है, पेट्रोल और डीजल बर्न करना स्टार्ट कर देता है, जिससे इंजन हमारा फंक्शन में आ जाता है। सो पेट्रोल और डीजल का भी इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी आग पकड़ सकते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, तो आप जब वहां जाते हो, कहाँ पे, जहां पे पेट्रोल फिल होता है, पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पे, ठीक है, या डीजल फिलिंग स्टेशन पे, ठीक, तो वहां पे लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल। हाईली इनफ्लेमेबल मतलब बहुत जल्दी से आग पकड़ने वाले सब्सटेंसेस हैं यहाँ पे। सो डोंट स्मोक हेयर, मतलब यहाँ पे आपको सिगरेट भी नहीं पीनी है। व्हाई? सपोज यू हैव कम्प्लीटली फिनिश द सिगरेट, आप एक पूरी सिगरेट पी चुके हो, और आपने सिगरेट के लास्ट पोर्शन को उठा के फेंक दिया, उसमें भी थोड़ी बहुत स्पार्क्स प्रेजेंट होती है, चिंगारी प्रेजेंट होती है। सो वो चिंगारी भी क्या कर सकती है, पेट्रोल और डीजल को उनका इग्निशन टेम्परेचर दे सकती है, और उससे क्या हो सकता है, उस एरिया में आग लग सकती है, उस फिलिंग स्टेशन पे आग लग सकती है। दैट इज वाई देयर इट इज रिटन एज हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सो प्लीज डोंट स्मोक हेयर, सो प्लीज डोंट स्मोक हेयर। सो जितना ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर कम, उतनी जल्दी क्या होगा, आग लगता जाएगा। क्लियर? वेरी इजी टॉपिक्स आर दीज, वेरी वेरी इजी टॉपिक्स आर दीज। नाउ लेट अस सी दैट, सपोज गलती से आग लग गई, भाई कुछ हमने ऐसी गड़बड़ी कर दी कि आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया घर में, आग लग गई। ठीक, हम गैस पे बर्तन चढ़ा के आए थे खाना बनाने के लिए, ओ शिट, हम तो भूल गए, हम तो मस्ती कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, और क्या हो गया, किचन में आग लग गई। सो नाउ व्हाट वी विल डू, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप विच यू विल डू इज यू विल कॉल द फायर ब्रिगेड, यू विल कॉल द फायर ब्रिगेड। ओके, व्हाट वाज द नंबर ऑफ द फायर ब्रिगेड, लेट्स सी वंस अगेन, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट थ्रू आउट योर लाइफ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉल एट 101, यू हैव टू कॉल एट
101 सबसे पहला काम करना है। उसके बाद हमको सोचना है कि अब हम आगे क्या करेंगे। जब तक फायर ब्रिगेड आएगी तब तक हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना आग क्या होती है, वो फैलती जाती है, वो बहुत तेजी से क्या होती है, फैलती जाती है। सो आर देयर एनी वेज दैट फायर कैन बी हार्मफुल? यस ऑब्वियसली द फायर इज हार्मफुल फॉर अस। सपोज अगर एक कमरे में शॉर्ट सर्किट हो गया ना, उस कमरे में एसी है, फ्रिज है, टीवी है, लैपटॉप है, आपका बेड है, कुछ भी है, ठीक है, वहां शॉर्ट सर्किट हो गया, इतनी सी भी अगर आग निकलेगी ना, तो कुछ देर के बाद वो आग क्या होती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। एंड इट कैन लीड टू अ ग्रेट डिजास्टर, इट कैन लीड टू अ ग्रेट एक्सीडेंट। ओके, सो देयर वॉज अ फेमस और यू कैन से मेजर इंसिडेंट दैट हैपेंड इन लंदन, एंड देयर वॉज द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। There happened the Great Fire of London, मतलब लंदन में एक टाइम पे बहुत बुरी तरीके से आग लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज और पीपल्स का लॉस हो गया था। ओके, पीपल और प्रॉपर्टी का वहां पे क्या हो गया था, लॉस हो गया था, एंड इट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ अ शॉर्ट सर्किट ओनली, इट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट ओनली। सो लेट अस रिमेम्बर वन मोर थिंग दैट फॉर अ कंबशन टू टेक प्लेस वी शुड हैव हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ये तीन चीजों का होना बहुत जरूरी था, लेकिन अगर हम इनमें से एक चीज को गायब कर दें, किसी भी तरह से इसमें से एक भी चीज को हम गायब कर दें, तो क्या होगा, कंबशन का प्रोसेस तुरंत का तुरंत वहीं रुक जाएगा। ठीक, सपोज आपके पास हीट है, फ्यूल है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, आग नहीं लगेगी। आपके पास हीट है, ऑक्सीजन है, फ्यूल नहीं है, आग नहीं लगेगी। आपके पास ऑक्सीजन और फ्यूल है, हीट नहीं है, आग नहीं लगेगी। सो कोई एक चीज को अगर हम रिमूव कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। सो फॉर डिफरेंट सिचुएशंस वी यूज डिफरेंट थिंग्स टू प्रिवेंट द फायर, टू प्रिवेंट द फायर। सपोज देयर इज अ सिचुएशन वन दैट फायर इज ऑन सोफा, मतलब आपके सोफे पे आग लग गई। So for that, what you can use a big piece of blanket to cover the sofa so that you can cut the supply of oxygen, so that you can cut the supply of oxygen. Okay, next what you can do, if there is a fire breakout in the house, okay, if there is fire breakout in the house, मतलब गलती से घर में आग लग गई है, so immediately you have to call the fire brigade, immediately you have to call the fire brigade, okay. Now, suppose there is a fire breakout in the fuel filling stations, ठीक है, जहां पे पेट्रोल डीजल भरा जाता है गाड़ियों में, that is filling station. अगर वहां पे आग लग गई तो आप क्या करोगे, क्या ले जाके पानी फेंकोगे? कभी आग नहीं बुझेगी, पानी फेंकने पे कभी भी आग नहीं बुझेगी, और इतने बड़े एरिया में आप ब्लैंकेट नहीं स्प्रेड कर सकते हो, सो ये दोनों स्टेप तो आपके खराब हो गए। सो क्यों नहीं पानी फेंकने पे आग बुझेगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल होते हैं इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो आप जितना पानी भी डालते जाओगे तो पेट्रोल और डीजल हमेशा फ्लोट करके क्या करेंगे, पानी के ऊपर आते जाएंगे, और पानी के ऊपर आ गए मतलब वो फायर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, तो आग क्या होगी, लगातार जलती रहेगी, आग क्या होगी, लगातार जलती रहेगी। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थ्रो द बकेट्स ऑफ सैंड ओवर देयर, यू हैव टू थ्रो द बकेट्स ऑफ sand over there to prevent the fire or to stop the fire that has taken place in the fuel filling station. And when the fire breakout has taken place in your house, until and unless the fire brigade is coming, you can just keep on spraying the water. Okay, bucket se kya karte raho, pani ko fekte raho, so that you can cut the supply of the oxygen, you can cut the supply of the oxygen. Now, suppose there is a fire in electric equipment. किसी electric equipment में अगर आग लग गई है तो आप क्या करोगे, क्या use करोगे, water, petrol, kerosene, sand, क्या use करोगे, this is a question. Okay, so let's see that whenever the fire has taken place in electric equipment, we use fire extinguishers. देखा होगा ना कई सारी buildings में, कई सारे घरों में ये red वाला fire extinguisher लगा होता है, ठीक है। सो ये जो रेड वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, व्हिच इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, व्हिच इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सो यू जस्ट हैव टू ओपन द नोजल एंड कीप ऑन स्प्रेइंग इट ओवर द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट
टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. नाउ द फायर एक्सटिंग्विशर, ओके, द बॉल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द फायर एक्सटिंग्विशर इज मेड अप ऑफ अ केमिकल नोन एज मैप, इज मेड अप ऑफ अ केमिकल नोन एज मैप, दैट इज मोनो अमोनियम फॉस्फेट, दैट इज मोनो अमोनियम फॉस्फेट. क्लियर? सो द दिस इज अ इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, इट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो दैट what is the chemical which is used inside the fire extinguisher. So the chemical which is used inside the fire extinguisher is monoammonium phosphate, it is monoammonium phosphate. Clear? Now suppose there is a fire in the forest, bhai bade se jangal mein aag lag gayi, to jungle to bahut bade hote hain, forest to bahut bade hote hain, wahan pe sukhe ped bhi hote hain, dry plants trees bhi hote hain, to वहां क्या होता है आग फैलती चली जाती है. और फॉरेस्ट में कभी जल्दी कोई आग लगाने नहीं जाता है, वहां पे कैसे आग लगती है, वहां पे फ्रिक्शन के थ्रू आग लगती है. ठीक है, जब कोई दो ड्राई प्लांट्स आपस में रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से चिंगारी प्रोड्यूस होती है एंड दैट स्मॉल स्पार्क कैन कॉज द ह्यूज फायर इन द फॉरेस्ट. अभी रिसेंटली आई थिंक कहीं के जंगल में आग लगी थी ना, कहाँ के जंगल में आग लगी थी आई नो, बट यू शुड ऑल्सो नो, सो यू हैव टू टेल इट इन द कॉमेंट बॉक्स कि अभी रिसेंटली आई गेस 1 or 2 years बैक कहाँ के फॉरेस्ट में बहुत बुरी तरीके से आग लग गई थी. प्लीज टेल योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ओके, सो अगर फॉरेस्ट में कभी गलती से आग लग जाती है तो भाई वहां आप चाहे जितना सैंड फेंकोगे, चाहे जितना वाटर फेंकोगे, चाहे जितना फायर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे, वो आग नहीं बुझती है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ह्यूज एरिया में है. सो इन दैट केस वी स्प्रे द वाटर फ्रॉम द हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द एयर, मतलब हवा के रास्ते आपको क्या करना होता है, पानी को गिराना होता है. सो दैट जब ऊपर से पानी गिरेगा तो वो वास्ट एरिया में गिरेगा. क्या होगा? वास्ट एरिया में गिरेगा एंड देन वी कैन कंट्रोल द फायर ऑफ द फॉरेस्ट, देन वी कैन कंट्रोल द फायर ऑफ द फॉरेस्ट. ओके, नाउ लेट्स सी दैट सपोज देयर इज अ फायर ऑन द सोफा, वी आर यूजिंग ब्लैंकेट टू कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. सपोज देयर इज अ फायर ब्रेक आउट इन हाउस, सो वी विल इमीडिएटली कॉल द फायर ब्रिगेड टू, एंड इफ द वॉटर वी आर स्प्रेइंग ओवर इट, सो वी आर कटिंग द सप्लाई ऑफ द heat, we are cutting the supply of the heat. If there is fire breakout in petrol or filling station, okay, so we spray sand to cut out the supply of oxygen. And in case of electrical equipment, we use fire extinguishers to cut the supply of oxygen and heat. And in case of forest, we spray the water from the air sources, from helicopters, to cut the supply of heat and fuel, to cut the supply of heat and fuel. This was the overall summary that how we can control the fire, how we can control the fire. Now let us see that what are the advantages of carbon dioxide as extinguisher. मतलब ये जो fire extinguishers होते हैं, red वाली जो bottles होती हैं, इनका क्या advantage है? इसमें carbon dioxide के present होने का क्या advantage है? So the कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक तरीके की ब्लैंकेट या एक लेयर की फॉर्मेशन को फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, कट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है. और जो फ्यूल का टेम्परेचर था, सपोज वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच चुका था, तो वो क्या करता है, इग्निशन टेम्परेचर को लोअर कर देता है, सो दैट फ्यूल क्या हो, जलना बंद कर दे, जलना बंद कर दे. और जब हम इसको ना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे डालते भी हैं, अपने फायर एक्सटिंग्विशर्स को, तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कोई भी हार्म कॉज नहीं करते हैं, कोई भी हार्म कॉज नहीं करते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड और एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड और एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टोटल 3 टॉपिक्स. वी हैव डन द इंट्रोडक्शन ऑफ कंबशन, वी हैव known that what is ignition temperature and what are inflammable substances, when we also came to know that how we can control the fire in specific areas. Now here are few questions, let us discuss the question and their answers. Which of the following can be removed
टू पुट आउट द फायर ऑफ अ बर्निंग वुडन लॉग, मतलब एक लकड़ी के टुकड़े में अगर आग लग गई है तो उसको हम कैसे बुझाएंगे. सो ऑप्शन ए इज फ्यूल, ऑप्शन बी इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज हीट एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड सी. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी. द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी. वी विल कट और वी विल रिमूव द फ्यूल एंड हीट. हम क्या करेंगे, पानी डाल के उसकी हीट की सप्लाई को कट कर देंगे और धीरे से वहां की बाकी लकड़ियों को भी हटा देंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में इसमें से कौन कौन सी बातें सही है. इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, मतलब ये फ्यूल के टेम्परेचर को लोअर डाउन करता है, इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है. ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है और ये एक लेयर की फॉर्मेशन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर की फॉर्मेशन कर देता है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, कट हो जाती है, या ऑल ऑफ दीज. सो एज पर माई व्यूज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स विच आर रिटन हेयर इज करेक्ट अबाउट फायर extinguisher, is correct about fire extinguisher. Next, if in case there is no fire extinguisher, which of the following can be used to release carbon dioxide? Suppose आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, ठीक है, गलती हो गई, घर बनवाया और फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगवाया, बिल्डिंग बनवाई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगवाया, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए, मतलब ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करोगे. फॉर दैट यू विल यूज पोटेशियम बाइकार्बोनेट. ओके, फॉर दैट यू विल यूज पोटेशियम बाइकार्बोनेट व्हिच विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, व्हिच विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट. डैश cannot be used to put off fire. आग बुझाने के लिए क्या यूज नहीं करेंगे? सिंपल, केरोसिन. भाई केरोसिन से तो आग लगती है ना, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, तो केरोसिन से तो आग लगती है, तो हम केरोसिन का यूज क्यों करेंगे आग बुझाने के लिए. सपोज आग लगी है और हम केरोसिन फेंकते चले जा रहे हैं तो लोग हमें क्या कहेंगे, पागल, बैड फ्रॉम द माइंड. ओके, बिकॉज द केरोसिन विल इंक्रीज द फायर, द केरोसिन विल increase the fire. So with this we have completed today's session. We have completed three topic and please stay tuned for the next part of the video which will be coming soon on the same Vedantu Young Wonders channel. Okay, and please, I have just spoken a lot, so I want to speak one more sentence and I want something in return, that is like, share and subscribe. That is like, share and subscribe of the channel named as Vedantu Young Wonders. Okay, till then start revising the topics which we have already discussed, and you can also tell me in the comment box that which chapter do you want next. Matlab next part pe to hum combustion of flame ka bacha hua portion complete karenge, uske baad aapko kaun sa chapter chahiye, you can tell me in the comment box. And if you have any doubt also, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना. आई विल बी श्योरली गिविंग द आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस. क्लियर. सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो एंड सेशन. क्लियर. सो सी यू सून विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नेम्ड एज कंबशन एंड फ्लेम. टिल देन बाय बाय, एंजॉय. And all the very best for your exams if they are going on. Clear? Bye-bye.